जो प्रेरक की समस्या है वो हमारे बीच में एक बुजुर्ग हैं, वो प्रेरक हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम त्रिलोकीनाथ तिवारी, मैं उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जनपद का प्रेरक का संघ का जिलाध्यक्ष हूँ जी। और अपनी समस्याओं के लिए मैं जंतर मंतर रोड पर सरकार से वार्ता के लिए आए हैं। क्या मांगे, क्या वार्ता करना चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से वार्ता करना चाहते हैं कि ये प्रेरक समय समय पर सरकार द्वारा बताया गया सारे कार्यों को करते हैं और 36 महीने से इनका मानदेय जो मात्र 2000 रुपये है, जो उसमें रोजी रोटी भी नहीं चल सकती है, वो भी 36 महीने से बंद है। जो हम लोग भुखमरी के कगार पर हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है और न दवा हो पा रहा है, न घर का खर्चा चल पा रहा है। इसी बात को लेकर के हम दिल्ली जंतर मंतर पर आए हैं। इससे पहले आपने और कहीं धरने प्रदर्शन करे? जी हाँ, इसके पहले मैं जंतर मंतर पर 2 धरना प्रदर्शन किए हैं और लखनऊ की धरती में 54 दिन लगातार करके 5 सितंबर को जब हम लोगों ने अपनी मांग को लेकर के रेलवे स्टेशन से हुसैनगंज चौराहे पर चले तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने लाठियां बरसा करके हम लोगों को तितर बितर कर दिया और हम लोगों की जुबान को बंद कर दिया लाठियों के बल पर। क्या जब आपकी भर्ती हुई थी उसके अंदर जो योग्यता थी क्या थी? इन लोगों ने जब आपको भर्ती किया सरकार ने, तो उस समय योग्यता क्या थी? उन्होंने हाई स्कूल न्यूनतम योग्यता रखे थे, लेकिन हमारे जो अन्य भाई हैं जो बीए पास हैं, एमए पास हैं, बीएड हैं, एमएड हैं, सारे योग्य लोग हैं जो इस शिक्षा प्रेरक का काम करते हैं। शिक्षा प्रेरक का काम क्या है? जो 15 वर्ष से ऊपर हैं, चाहे वो 80 वर्ष के हों, चाहे 60 वर्ष के हों, चाहे 40 वर्ष के हों, सारे लोगों को निरक्षरता रूपी कोड से हटा करके उनको लिखने पढ़ने का समझने का वो काम समझाते हैं।